हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लीगल वर्ल्ड। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी 2023 के लिए, कि इस सेशन में कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपना टाइम टेबल क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर करें और कैसे हम अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट को आइडेंटिफाई करें। चलिए स्टार्ट द सेशन। See, I prepared one timetable for 25th August to 30th September. 45 days के लिए, 35 days के लिए, basically 35 to 40 days के लिए timetable काफी useful होगा। So in the last video or the last session, I've discussed the important subjects. Which is mentioned in the CLAT syllabus. First is the constitutional law, second is jurisprudence, third is contract, international law, then family law, then criminal law, which include the IPC, CRPC or evidence. This is a six or seven most important subjects. The subjects may have taught say IBC, tax, labor law, then administrative law. बट इसके क्वेश्चन कंपेरेटिवली कम होंगे। ये सब्जेक्ट आपके 50 to 60% सिलेबस कवर करेगा और वो 70% तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है पेपर किस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर अगर लैंडमार्क जजमेंट्स पर ओनली फोकस कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर करेगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट्स के जजमेंट बेसिक प्रोविजंस आते हैं, ये आपके 5 to 6 ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैसे जाएंगे वो हो जाएगा आपके। आप लास्ट ईयर का देखेंगे पैटर्न तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आपका ठीक ठाक है एंड क्रिमिनल लॉ के पोर्शन भी ठीक ठाक है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सके। ऐसा टाइम टेबल ना हो जो आप फॉलो ही ना कर सके कि मुझे एक वीक में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फिनिश करना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और एक सब्जेक्ट आप कोई भी लेते हैं तो आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपको साथ साथ में 2 सब्जेक्ट लीजिए। जैसे इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ रखा है जो 15 डेज के लिए इजीली कवर हो सकता है। जहाँ 2 to 3 आवर्स आप देंगे तो इजीली कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको क्या क्या रेफर करना मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वेयर एक्ट से स्टार्ट करिए, क्योंकि वेयर एक्ट के बिना नहीं हो पाएगा कोई भी सब्जेक्ट। तो जिसमें आपको वेयर एक्ट और नोट्स भी इसलिए मैंशन किया है कि आर लीगल वर्ल्ड का जो आपका कोर्सेज हैं मेंटरशिप कोर्सेज वी प्रोवाइडेड नोट्स स्पेशली फॉर द एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स। सो वेयर एक्ट एंड नोट्स, स्टार्ट विद द वेयर एक्ट एंड नोट्स, देन गो फॉर द जजमेंट। एंड जजमेंट के लिए ट्राई टू रीड एटलीस्ट 2 जजमेंट इन अ वीक। जजमेंट कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, आई विल ऑल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो। देन केस लॉ, जजमेंट एंड केस लॉ मैंने डिफरेंट मेंशन किया। केस लॉ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गए हैं रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड रिजर्वेशन। कैरी फॉरवर्ड के जजमेंट्स क्या 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 केस लॉज हैं, आर्टिकल 16 रिजर्वेशन नहीं भी आते हैं। जैसे आप मान लीजिए प्रेसिडेंट के पावर को डिस्कस कर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं वो आप सारे टॉपिक वाइज जजमेंट्स हैं जो काफ़ी यूजफुल होंगे। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक चलते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि आपको इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ रहा है, आपके कुछ क्वेश्चन है। जैसे आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली एक जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर किया
बिकॉज अभी रिसेंटली ही पार्लियामेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ट्रांसफर कर दी है। देन जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफर कर दिया गया। देन अभी देखेंगे आपका महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस देखेंगे कि जिसमें इसको पॉलिटिकल स्प्लिट होते हुई है एंड रिलेटेड टू 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल से रिलेटेड आपकी जो जजमेंट है लैंडमार्क जजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अभी अभी देखेंगे कि 10th शेड्यूल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। इसके कॉन्सेप्ट 10th शेड्यूल पर ही आपके 10 to 15 क्वेश्चन बन सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉस पर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पर लैंडमार्क जजमेंट आपको मिलेंगे, एस आर बोमई मिलेगा। इसके अलावा फेडरलिज्म से रिलेटेड है, उसके अलावा भी काफ़ी जजमेंट है जो मिलेंगे, वो काफ़ी यूजफुल होंगे। तो इसलिए वो केस लॉ का पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करें। बस बेरेक से स्टार्ट करिए, बेरेक में आप एटलीस्ट एक वन टाइम तो रीडिंग बनती है एल एल एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। एंड इट विल टेक अराउंड 1 आवर इन अ डे। तो 7 to 8 डेज में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेरेक को फिनिश कर देंगे इजिली विथ केस लॉ। और इसके बाद जजमेंट आप साथ साथ कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपके आज स्टार्ट करते हैं आज की प्रिपरेशन, तो ये आपके लास्ट डे तक चलता रहेगा। अदर सब्जेक्ट आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके नोट्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। और ये आर्लीगल वर्क की वेबसाइट पर भी, इंस्टाग्राम पेजेस पे भी अपलोड रेगुलरली टीम करते रहती है, यू विल गेट इट देयर। देन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लैट प्रोस्पेक्टिस से तो काफ़ी इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि वन पैसेज मैक्स टू मैक्स आ गया तो आ गया, बट अदर्स एग्जाम के लिए चाहे आप एनएलयू दिल्ली का एलएट देखेंगे या आईएलआई देखेंगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे, तो क्लैट कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बेसिक बेसिक प्रोविजन हो जो सेक्शन 1 टू सेक्शन 76 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। देन पार्टनरशिप के क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, बट आपको जहाँ टाइम है, आपने कॉलेज लाइफ टाइम्स में सही से पढ़ा है, आपको रिवीजन की नीड है, तो प्लीज़ वो एक बार देख ले, वो कुछ हो जाएगा आपका। बेरेक्ट नोट्स एंड केस लॉ, केस लॉज में जैसे ही आपके कोई लॉज है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, इसके इस इन टॉपिकों के इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं जो लैंडमार्क केस लॉज हैं या रिसेंटली आएगा वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो केस लॉ का पोर्शन है और आपका इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है उसमें, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्ट आपका 15 डेज है, 15 डेज में है आपका जज कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क जजमेंट से छोड़ के जो अभी रिसेंटली आएंगे, जो मैं आपको देते रहूँगा, आप वीकली रीड करें एटलीस्ट 2 जजमेंट। जो फुल नहीं होगा उसको मैं अभी डिटेल में मैं बताऊँगा कि कैसे रीड करना है जजमेंट। ओके जस्ट अ मिनट। देन आपका आता है सेकेंड सेट ऑफ सब्जेक्ट आते हैं, जिसको नेक्स्ट आपको 10 to 15 डेज देना है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस और फैमिली लॉ। जी इसमें से आप देख सकते हैं इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें काफ़ी आपको डिटेल में पढ़ना है आपको ज्यूरिसप्रूडेंस के अलावा। जैसे आप इंटरनेशनल लॉ देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ का बेसिक प्रोविजंस आते हैं कि ये रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट लॉ ऑफ सी, बेसिकली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे वॉर अभी चल रहा रशिया एंड एंड यूक्रेन का, इसमें आपके जेनोसाइड से रिलेटेड आ जाएंगे, रोल ऑफ आईसीजे आ जाएगा, रोल ऑफ यूरोप, इसके अलावा है या यूरोप यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो होंगे इम्पोर्टेंट केस लॉज, इसमें आपको पता ही होंगे 10-12 केस लॉज हैं या 50 समथिंग केस लॉज हैं होंगे जो काफ़ी पुराने केसेस हैं, आईसीजे के भी केसेस हैं, इसके बाद आपके ह्यूमन राइट्स काउंसिल के भी केसेस हैं जो काफ़ी यूजफुल होंगे, जो जो इस आर्लीगल वर्ल्ड के कोर्स में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा नोट सफिशेंट है। इसके बाद ज्यूरिसप्रूडेंस आते हैं,
जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, स्पेशली फॉर एल एल एम एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी कोर्ट दे सकते हैं कि पूछ लेंगे किस स्कॉलर ने दिया, किस जूरिस्ट ने दिया है, और ये ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ा ही पढ़ा हो, इसलिए थोड़ा इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कौन फाउंडर्स है, कौन इनकी थ्योरी किससे लिंक करती है, इसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल्स में किसकी बात करते हैं, इसके बाद आपका प्योर अमेरिकन रियलिज्म की किस क्या बात करता है, इस टाइप के आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आर लीगल वर्ल्ड के नोट्स सफिशेंट है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एल एल एम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो आप देखिए, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ 10 to 12 क्वेश्चन आ रहे हैं या 2 पैसेजेस आ रहे हैं क्लैट में, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि 6 to 7 एटलीस्ट कर दें, उससे ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है। और जहाँ बुक रिकमेंड करना लेना चाहते हैं तो आप बी डी महाजन सबसे बेस्ट बुक हो गई, जो एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या यू जी सी नेट के लिए यूज़फुल होगी। जहाँ आपके पास टाइम है तो बी डी महाजन पढ़ सकते हैं, बट आप मैं रिकमेंड करूँगा कि नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर पर स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि आप मान लीजिए 50% भी जूरिस्ट के क्वेश्चन करते हैं ये मोर देन इनफ है, आपको इससे बेटर बाकी सब्जेक्ट देखें जिससे बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो सकेंगे। देन आते हैं हम जो थर्ड सेट ऑफ थर्ड सब्जेक्ट हैं आपके, जो सेकंड सेट ऑफ टाइम टेबल में है, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें आपको मैरिज के प्रोविजन सेक्शन फाइव हो गया, सेक्शन 7 हो गए, सेक्शन 9 के काफ़ी है इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन पर, सेक्शन 10 जुड़ी आपके इम्पॉर्टेंट है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 13 13 बी, ये आपके क्वेश्चन बेसिक्स हो गए। इसके बाद मेंटेनेंस के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 24 25, ठीक है, इन कैमरा प्रोसीडिंग 27, आई थिंक 27 ही है, आप इस पे देखें। तो हिंदू मैरिज में आप मैरिज मैरिज के अलावा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर पार्टीशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, ये सिर्फ अभी हिंदू लॉ की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लॉ के भी क्वेश्चन ये आ गए कि सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन हो गए, सक्सेशन का प्रोविजन हो गए, पार्टीशन के प्रोविजन हो गए, इसके अलावा मुतावली जैसे कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब है इसमें। जो आपका जो सेकेंड सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको फैमिली को आप टाइम दीजिए, बट इतना भी मत दीजिए कि आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचे, उसके लिए आपको फर्स्ट वेरेक्ट एक बार हिंदू मैरिज एक्ट की वेरेक्ट देखिए एंड सक्सेशन की वेरेक्ट देखिए देखिए, उसके अलावा नोट्स मिल जाएंगे अलीगढ़ वर्ड के। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस लॉज, क्योंकि मान लीजिए आपके 2 पैसेज आते हैं हिंदू मैरिज से तो करीबन आपके 5 to 6 5 to एटलीस्ट होंगे केस लॉ जो पुराने होंगे, लैंडमार्क होंगे, जैसे आपके कस्टडी से रिलेटेड हो जाएंगे, चाइल्ड कस्टडी से हो जाएंगे, सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी से हो जाएंगे, और कोई अभी एक रिसेंटली एक और डाइवोर्स मुस्लिम लॉ में एक डाइवोर्स को चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी नोटिस इशू हुआ है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जहाँ कोई जजमेंट आते हैं इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, हेल्प करेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, और लास्ट 2 3 ईयर्स में जजमेंट है 3 4 जो आपको इम्पोर्टेंट जजमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगा कोर्ट में। देन आते हैं आपके सितंबर तक के लास्ट सब्जेक्ट्स में आते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में मैंने अभी सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रखा, क्रिमिनल लॉ में फर्स्ट आ जाएगा आपका आईपीसी, ठीक है, आईपीसी आप पूरा पढ़िए, इसमें से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके स्टार्टिंग के थोड़े बहुत डेफिनेशन सेक्शन, देन आपके पनिशमेंट कि क्या 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 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, सेक्शन 50 में जो आपके चल रहे हैं वो आप पूरा पढ़िए, देन आपके जनरल डिफेंसेस आ जाते हैं उसको आप पढ़ ही सकते हैं, पूरा एक डिटेल में पढ़िए, तो एटलीस्ट उसकी 2 रीडिंग आपको लगेगी, आप 2 रीडिंग दीजिए। देन आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का आपके बन सकते हैं क्योंकि अभी सेडिशन लॉ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है इस पे और रूलिंग पे कि कोई भी न्यू 124 ए पे कोई भी एफआईआर नहीं होंगे,
होंगे तो बेल के लिए इंटाइटल होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसके लिए बेरक्ट हो जाएगा, इसके बाद नोट्स आईपीसी के नोट्स मिल जाएंगे। केस लॉ में काफ़ी लैंडमार्क केसेस लॉ होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस केस हो गया, सेक्शन 34 से रिलेटेड है सेक्शन, फिर इसके बाद सेक्शन 149 के केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद मर्डर के केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमसाइड एंड मर्डर। देन इसके बाद आपको 377 के का जजमेंट आएगा नाज फाउंडेशन का। देन उसके अलावा आपके 498A के जज में आपके देखते होंगे, 498 के डेली आपके आर्टिकल्स मिलेंगे, डेली कोई ना कोई जजमेंट मिलेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से आपका होगा आईपीसी काफ़ी होगा, या आईपीसी या क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस मुझे आई थिंक मुझे लगता है कि 3 to 5, 4 पैसेज होंगे, तो इट मीन अराउंड 24 क्वेश्चंस मिनिमम, जिसमें से आपके मान के चलिए 2 पैसेज आईपीसी से होंगे। देन सेकंड होगा सीआरपीसी से, सीआरपीसी आपके पुराने पूरे डिटेल में नहीं होगा, बस आपके जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, विक्टिम्स के राइट्स हो गए, इसके अलावा आपके कंपनसेशन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन आई थिंक था, उसके पर भी सीआरपीसी से रिलेटेड जजमेंट आया है। इसके बाद सीआरपीसी से रिलेटेड जजमेंट आपका पीएमएलए में भी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 154 पर है कि जो आपका पीएमएलए में ईडी केस रजिस्टर करती है वो एफआईआर कंसीडर नहीं होता, जहाँ एफआईआर कंसीडर नहीं हो रहा है, देन आपके जो बेंच थी उन्होंने कि एडमिशेबल है, जो ईडी के सामने स्टेटमेंट दी गई है, जो आई थिंक आपने आपको पता ही होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में 24, 25, 26, 27, ये काफ़ी है, एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं। इंटरलिंकिंग होगा, क्या एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल में भी जाएगा, फिर आर्टिकल 21 में भी जाएगा, आर्टिकल 20 में भी जाएगा, तो इस ऐसा हो सकता है कि करीबन कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन बन जाए जो 3 सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके बन रहा हो। ठीक है, तो सीआरपीसी से भी पूरा आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो 70 to 80% ट्राई होगा कि कवर हो जाए सिलेबस। ये आपका सितंबर तक का सिलेबस है जो फिनिश हो रहा है। देन चलिए चलते हम, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं हम इसके बाद, इसके बाद आपका आता है हाउ टू स्टडी एंड व्हाट केस लॉज टू स्टडी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि आपके 20 more than 20 passages आएंगे होंगे क्लैट क्लैट में, 20 तो होंगे ही, एटलीस्ट 20 होंगे, और 20 से प्लस में भी जा सकते हैं, तो उसको कैसे आप कवर करें। ठीक है, फर्स्ट आता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेंच डिसीजन होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रिसेंटली आप 5 to 6 लास्ट 3 ईयर्स के देखें, देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जजमेंट कौन कौन से हैं, एंड लास्ट उसके अलावा अभी रिसेंटली काफ़ी बेंच मैटर लिस्ट हो चुकी है, अराउंड 29th को देखेंगे 5 to 6 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेट होगी, देखिएगा काफ़ी नोटिस इशूज होंगे वो जो फ्यूचर में, लास्ट होप्स हो कि 2 से 3 मंथ में कोई जजमेंट आए जो काफ़ी लैंडमार्क हो, वो आपके लिए हेल्प होगा। महाराष्ट्र डेफिनेटली, महाराष्ट्र जो असेंबली का उनका जो रेफर किया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देन देखिए सेकेंड आता है आपका डिसीजन गिविंग द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट, जैसे आप फ्री वेब से सुन रहे होंगे इलेक्शन प्रोमिसेस के लिए, वो गाइडलाइंस आएगी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें वो 3 जजेस बेंच सुनने जाने वाली है, उस टाइप के मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि डिसीजन रिलेटेड टू कंट्रोवर्शियल इश्यूज होता है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन सेंस कि काफ़ी है, अरेस्ट हो गया, जैसे आप अभी ऑल्ट न्यूज़ के फॉन्को फाउंडर की बेल में आप देखेंगे वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज में है,
जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तो नहीं इसमें इश्यू की थी, बट वो अर्णब गोस्वामी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हुए बिल ग्रांट की गई, वो हो गए। देन आपके डिसीजन टेस्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर आते हैं तो पीएमएलए का जजमेंट है। इस पीएमएलए का जजमेंट आप देखेंगे कि जिसमें अरेस्ट अरेस्ट सीजर एंड राइट ऑफ एक्यूज पर्सन, जिसमें से आप देखेंगे कि आप आपके प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, उसको उसको रिवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी चेंजेस हैं उस जजमेंट में, कि आर्टिकल 22 के 20 के जो सेफगार्ड्स हैं वो जजमेंट में फॉलो नहीं की गई है। तो ये आपके चार क्राइटेरिया हैं जिसमें से आप गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर लीगल न्यूज से टच में रहेंगे तो आपके एक तो जजमेंट वहाँ से ही कवर हो जाएंगे, जो 50 से 60% आपके क्वेश्चंस आपको न्यूज़ से ही कवर हो जाएंगे, जहाँ आप सही से रीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपका, इसके बाद जस्ट अ मिनट, इसके बाद आपका मेन आता है कि हाउ टू रीड जस्ट मिनट, हाउ टू रीड एंड जजमेंट्स आ जाएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपको जजमेंट का नेम पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार आपके पैसे दे रखे हैं, दिया हुआ होगा, दे विल आस्क फ्रॉम विच जजमेंट द अबव सेड पैसेज गिवन, तो आपको जजमेंट का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद जजेस के नेम के लिए आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जजेस के नेम तब इम्पोर्टेंट बनता है जब डिसेंडिंग जजमेंट्स होती हैं उसके अंदर, कि जहाँ 3 जजेस की बेंच है, 3-2-1 आय का जजमेंट आया है, तो डिसेंडिंग जजमेंट क्या है और कौन जज था वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इम्पोर्ट जजमेंट में आपको दो सामान बहुत देखना ही देखना है, इम्पोर्टेंट जजमेंट कि कौन कौन से जजमेंट रेफर्ड किए गए हैं। इसके इसमें से आता है ओवरऑल जजमेंट, जैसे मान लीजिए ईडी का केस है जो अभी जजमेंट आया है आपके 27th और 20 जुलाई को जजमेंट आया है, मान लीजिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरूल किया है कुछ प्रोविजंस कुछ उसको, तो वो आपको पता होना चाहिए किस जजमेंट को है। इसके बाद लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, जैसे आप केशवानंद भारती को देखेंगे, वो लैंडमार्क आपका जजमेंट है, वो डेफिनेटली रेफर होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कि जुडिशरी को बाईपास नहीं कर सकते बिना उसके लॉज को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉ इन्वॉल्व इन द केस, इसके बाद कौन कौन से ईडी के जो आपका ईडी का जजमेंट है पीएमएलए एक्ट से है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें आपके सेक्शन 47 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जब जजमेंट देखेंगे या लीगल न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो हर हर वेबसाइट पर हर समरी में वो सेक्शन मेंशन होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट्स आपको क्या क्या देखना है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्राइन यूज़, कि आपके कौन कौन से डॉक्ट्राइन यूज़ किए गए हैं, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जैसे ये पीएमएलए में यूज़ किया गया है, इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, काफ़ी जजमेंट में आप अभी देखेंगे बेनामी ट्रांजेक्शन 2016 और 2017 अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव यूज़ की गई है। इसके बाद ज्यूरिसप्रूडेंशियल एस्पेक्ट एवरी केस में तो नहीं होता, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस में आपको और क्रिमिनल केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आपके हो गए। अब देखिए जजमेंट कहाँ से रीड कर सकते हैं, जजमेंट की समरी आर लीगल वर्ल्ड भी प्रोवाइड करेगी, बट मैं पहले कहता हूँ कि एक जजमेंट पर आप रिलाई मत करिए, एक सोर्स पर मत रिलाई करिए जजमेंट स्पेसिफिक जजमेंट्स के लिए, और मल्टी सोर्स पर करिए, चाहे वो आपका लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो या SSC ऑनलाइन ब्लॉग हो या और भी कोई वेबसाइट को जो आप जानते हैं उसको रेफर करिए। और ये आप क्या क्या स्किप कर सकते हैं उसमें, स्किप करने का इन सब आपको फैक्ट से इतना कोई आपको लेना देना आपको बॉदर नहीं करना है, आपको लॉस पर स्टिक करना है। एंड आप आर्ग्यूमेंट्स को भी स्किप कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव अ टाइम जस्ट रीड इट, विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड जजमेंट्स एंड द डिफ एंड द जजमेंट एंड द स्टैंड ऑफ द पार्टीज,
उसके बाद आप इफ़ यू हैव अ टाइम और जस्ट रेफर्ड एंड नो आई डोंट थिंक वी विल प्रोवाइड यू ओरिजिनल जजमेंट और जस्ट रीड द लास्ट पैरा ऑफ द जजमेंट और सेकेंड लास्ट टू पैरा ऑफ द जजमेंट इन विच यू विल गेट द इंटायर क्रक्स ऑफ द जजमेंट क्रक्स ऑफ द जजमेंट जिससे आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा, रेशियो आपको समझ आ जाएगा एंड आपकी जजमेंट का ऑब्जर्वेशन समझ आ जाएगा, ऑपरेटिव पार्ट समझ आ जाएगा। वो काफ़ी आपको जहाँ पैसेजेस उस पैसेज से आएंगे तो आप जब पूरा जजमेंट भी रीड नहीं किया होगा तो भी आपको पता चल जाएगा किस जजमेंट की बात हो रही है। ओके देन आई थिंक वी शुड कॉल फॉर अ डे इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टीम। एंड जस्ट इफ यू वॉन्ट टू एनरोल ऑन आर कोर्स विल प्रोवाइड मेंटरशिप कोर्स फॉर क्लैट पीजी एलेट एनएलयूएलई आईएलआई ड्यू एलएलएम 2023 एंट्रेंस एग्जाम इन विच यू विल गेट एवरीथिंग मेंटरशिप नोट्स मॉक टेस्ट। ओके सी यू बाय बाय।